नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश को गोल्ड जिताकर नीरज चोपड़ा हर किसी से वाहवाही लूट रहे हैं। हर कोई इस गोल्डन बॉय का दीवाना हो गया है। तमाम बड़े राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। इसी बीच मीडिया के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही। रिपोर्ट्स हैं कि बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर्स नीरज चोपड़ा से काफी खुश हैं और हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की चर्चा कर रहा है। नीरज चोपड़ा ने देश के लिए न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि देश में उनके लिए अलग ही दीवानगी देखने को मिल रही, जिसे कई फिल्म मेकर्स भुनाने की कोशिश में। सुनने में आ रहा है कि फिल्म मेकर करण जौहर अपनी अगली फिल्म के लिए नीरज चोपड़ा को कास्ट कर सकते हैं। ये सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा की पर्सनालिटी काफी अच्छी है। कई मेकर्स को लगता है कि वो एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि करण जौहर नीरज चोपड़ा को कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद से करण जौहर लगातार नेपोटिज्म को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं, लेकिन नेपोटिज्म के नाम पर ट्रोल होने के बाद करण जौहर ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसाइडर्स को लॉन्च करने का मन बनाया। वो जल्द ही कई आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पर भी अब करण जौहर की नजर पड़ गई और हो सकता है कि वो जल्द ही नीरज को अपनी किसी बड़ी फिल्म में कास्ट करें। वैसे आपको बता दें कि करण जौहर ने नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर भी अपनी खुशी जाहिर की थी। करण जौहर ने ट्वीट कर लिखा था, इट वॉज अ ट्रूली गोल्डन परफॉर्मेंस, वॉट अ स्पेशल डे फॉर द कंट्री, थैंक यू नीरज चोपड़ा फॉर ब्रिंगिंग द गोल्ड होम, वॉट एन अनपैरेलल्ड इमोशन टू सी दिस। बता दें कि नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है और 2008 के बाद देश को अब गोल्ड मेडल हासिल हुआ। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया था और आज नीरज ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये भारत का पहला एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल है। वैसे नीरज चोपड़ा को करण जौहर की तरफ से मिले बड़े ऑफर की खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मीडिया के गलियारों से इस तरह की खबरें आ रही। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।